हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेरी स्टाइल। और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लॉरियल के शैम्पू। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी हेयर स्पा की, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था हेयर में ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है तो हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए एंड हेयर स्पा हमें कितने टाइम में करना चाहिए, कब करना चाहिए और हेयर स्पा से हमें क्या क्या बेनिफिट्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हेयर स्पा हमें कितने टाइम में करना चाहिए और अगर हमारे बहुत ज़्यादा हमारे ड्राई हेयर हो गए हैं तो हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स करा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम केमिकल्स बालों में यूज़ करते हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, स्मूथनिंग करा लेते हैं, केराटिन करा लेते हैं और हमारे जो हेयर होते हैं उस समय तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है हमारे जो हेयर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से वो ड्राई हो जाते हैं। पहले मैंने अपने बालों में जो है प्री लाइटनिंग कराई थी और प्री लाइटनिंग जो होता है कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, बहुत ज़्यादा आपके बाल हार्ड हो जाते हैं, एकदम रफ हो जाते हैं, तो उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गए थे। तो मैंने जो शैम्पू यूज़ किया है उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे लोगों को भी यही सजेशन दिया है कि जब उनके बाल ख़राब जाते हैं तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कीजिए। और इस शैम्पू के बाद बाल इतने अच्छे हो जाते हैं ना कि आप जब यूज़ करेंगे आपको तभी पता चलेगा। लॉरियल इसका जो नाम है वो है सीरीज एक्सपर्ट एब्सोल्यूट रिपेयर लिपिडियम करके इसका नाम है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नाम के साथ उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके साथ आता है इस तरह का मास्क, ये मेरे पास जो है ये 1 लीटर बॉटल में है और इसमें छोटे जो 200 ml का होता है वो भी आप पहले उसको छोटी बॉटल ही लें और उससे आप देख सकते हैं कि आपके बालों में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये 100% मेरे बालों में वर्क किया है। अपने जो रफ़ हेयर के लिए शैम्पू चाहिए तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कीजिए, आपके 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये मैंने खुद ट्राई किया है, कुछ लोगों ने मुझे डैंड्रफ के लिए भी कहा था कि डैंड्रफ के लिए हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ डैंड्रफ के लिए आता है लॉरियल का जो शैम्पू है वो है डैंड्रफ के लिए। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नाम के साथ। डैंड्रफ वाले शैम्पू होते हैं वो जो है आपके हेयर को बहुत ज़्यादा रफ कर देते हैं, तो आपको इसको डेली यूज़ में आपको इसको नहीं यूज़ करना है। जब आपके बालों में डैंड्रफ होती है तभी आपको ये डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज़ करना है। तो वो ये वाला जो शैम्पू है जैसे आप डेली यूज़ में आप अपना शैम्पू करते हैं आप वैसे ही कीजिए, अगर आपके बाल गंदे हैं तो आप 2 बार शैम्पू कीजिए, नहीं तो आप 1 बार भी शैम्पू कर सकते हैं। तो ये वाला आपको शैम्पू करना है। उसके बाद आप जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं शैम्पू के बाद, कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम शैम्पू से हमारे बालों का मॉइस्चर निकल जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें अपने हेयर को शाइनी बनाने के लिए एंड सिल्की बनाने के लिए हम कंडीशनर यूज़ करते हैं। इसके साथ आपको करना है मास्क, ये हेयर मास्क आता है लॉरियल का इसके साथ एब्सोल्यूट के साथ, तो इसके साथ आपको ये वाला मास्क यूज़ करना है। मास्क जो है हम कंडीशनर की ही तरह इसको अप्लाई करना है, लेकिन कंडीशनर हम अप्लाई करते हैं वो हम स्कैल्प में नहीं लगाते हैं, लेकिन मास्क को हम स्कैल्प में लगा सकते हैं। मास्क जो है हमारा सिलिकॉन बेस होता है, जब हम मास्क अप्लाई करते हैं वो हमारे बालों के जो अंदर जो लेयर होती है उसके अंदर तक पेनिट्रेट होता है और बालों को जो है नरिशिंग देता है, सॉफ्ट करता है एंड सिल्की एंड शाइनी बनाता है। हमारे जो हेयर है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है जिससे कि हमारे हेयर डैमेज नहीं होते हैं। तो शैम्पू के बाद आप कोई भी कंडीशनर करो, लेकिन बहुत ज़रूरी है शैम्पू के बाद कंडीशनर करना, लेकिन इसको आपको हेयर के रूट से लेकर एंड्स तक आपको इसको अप्लाई करना है। लेकिन कंडीशनर को हम खाली एंड्स में लगाते हैं, लेकिन इसको हमें पूरा स्कैल्प से एंड्स तक हेयर में लगाना है। जैसे आप कंडीशनर को लगाते हैं 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के लिए, वैसे ही आपको इसको यूज़ करना है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने क्वेश्चन किया था कि हेयर स्पा में कब कब कराना चाहिए। हेयर स्पा कई लोग साल में एक बार कराते हैं, कई 6 महीने में एक बार कराते हैं, ऐसा नहीं है। आप हेयर स्पा 15-15 दिन में भी ले सकते हैं। बार बार आप सलून तो जा नहीं सकते हैं कि हेयर स्पा कराने के लिए, तो आप घर पर कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस पूरा आपको दिखाया है वीडियो में,
तो जिन लोगों ने मेरा हेयर स्पा वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम घर पर हेयर स्पा कर सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में दिया है कैसे आप घर पर हेयर स्पा कर सकते हो। तो उसी तरह से आप इस शैम्पू से भी अपने घर में, इस शैम्पू से भी आप वैसे ही जैसे हेयर स्पा करते हैं जिनके 100% डैमेज हो चुके हैं हेयर, वो भी इसको अप्लाई करेंगे तो उनके हेयर बिल्कुल सही हो जाएंगे। फर्स्ट आपको अप्लाई करना है शैम्पू, दो बार आपने शैम्पू किया, देन आपने हेयर को वॉश किया। वॉश करने के बाद वेट हेयर पे इस तरह के पावर डोज होती है, पावर रिपेयर लिपिडियम के नाम से ही आता है। आप इसको अपने हेयर में इस तरह का, अगर आप ये इस तरह का पंप होता है ये, तो आपको पूरा जो इसका पूरा बॉक्स होगा उस पे ही आपको ये अवेलेबल होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी से स्प्रे करना है, अगर ये नहीं है आप एक दो ही लेके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हैंड में लेके इसको जैसे आप ऑयलिंग करते हैं पूरे स्कैल्प से अपने बालों को अच्छे से इमल्सीफाई करना है, और इसको लगाने के बाद आप ये वाला मास्क अप्लाई कर सकते हैं पूरे हेयर में। ये मैं आपको वो प्रोसेस बता रही हूँ जैसे हम घर पर हेयर स्पा, जैसे मैंने हेयर स्पा में बताया था, जैसे हम बाहर हेयर स्पा कराते हैं, ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। इसको हम हेयर स्पा नहीं करेंगे कहेंगे, ये एक ट्रीटमेंट है डैमेज हेयर के लिए, जो के लिए है जिनके बाल एक्सेस ड्राई हो गए हैं। तो ये वाला अगर आप ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट अगर आप घर पर करेंगे तो आपके बाल डेफिनेटली, आपके बाल बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। अप्लाई करेंगे पूरे बालों में, जैसे कि मैंने हेयर स्पा वाले वीडियो में बताया है कि कैसे अप्लाई करना है। आप सलून्स में जाते हैं तो आपको पता ही होगा वो क्रीम कैसे अप्लाई करते हैं, उसी तरह से आपको इसको भी अप्लाई करना है। एक बाउल में आपको लेना है ये, थोड़ा सा उसमें आपको हल्का सा उसमें वाटर, वार्म वाटर है तो वो मिला लीजिए हल्का सा, और उस मिक्स करके उसको अपने बालों में अच्छे से, उसको हेयर में अच्छे से अप्लाई करेंगे। इस तरह से अच्छे से अप्लाई करने के बाद हेयर में अच्छे से आपको मसाज भी करनी है। मसाज करने के बाद आपको टॉवल लेना है, आपको गर्म पानी में डीप करना है टॉवल को, और उसके बाद अपने पूरे हेयर को उसमें ट्राई कर देना है, और उसको 10 मिनट के लिए रखना है। उसके 10 मिनट के बाद आपको टॉवल निकाल के थोड़ी देर के बाद आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। वॉश करने के जब ड्राई हो जाए तो आप उसमें सीरम अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ये इतने महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, अगर आप सलून में जाते हैं ये वाले ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, 2000-3000 के ये ट्रीटमेंट पड़ते हैं, लेकिन आप इसको घर पर ही कर सकते हैं तो आपको जो है बेनिफिट भी मिलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। बस आपको एक बार शैम्पू और इसका मास्क एंड जो ये पावर डोज है ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक बार आप लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है। इसमें मेरे पास तो ये 1 लीटर की बॉटल है, और ये जो है 490 ग्राम का, 490 ग्राम का ये मेरे पास मास्क है। तो इसमें छोटा वाला भी आता है 200 ग्राम्स का, तो आप वो वाला ले लीजिए और उसको ट्राई कीजिए, तो आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे नए फ्रेंड्स मेरे चैनल में है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, उससे मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स।